वेलकम टू मैथमेटिकल साइंस यूट्यूब चैनल टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिलेबस ऑफ लीनियर एल्जेब्रा आज के वीडियो लेक्चर में हम कोई लेक्चर कोई थ्योरी लेक्चर नहीं देंगे बट हम डिस्कस करेंगे लीनियर एल्जेब्रा के सिलेबस के बारे में विच इज प्रिस्क्राइब सिलेबस ऑफ दी बी एस सी ऑनर्स मैथमेटिक्स सेकेंड सेम यूनिवर्सिटी ऑफ डेली तो जो नॉन डी के बच्चे नॉन डी वाले स्टूडेंट हैं वो भी अपने सिलेबस के साथ मैच करा के आप इन लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकते हैं तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर बात करूँगा जो सिलेबस हमने ओपन कर रखा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बी एस ऑनर्स मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है देअर मैं उसी के लेक्चर प्लान सिलेबस के बारे में अभी बात करूँगा जो आपका ये लीनियर एल्जेब्रा का कोर्स है दिस इज़ कोर पेपर ओके डिसप्लिन स्पेसिफाइड कोर पेपर व्हिच इज़ ऑफ द क्रेडिट फोर जो कि चार क्रेडिट का होगा इट मीन्स थ्री प्लस वन थ्री लेक्चर एंड वन ट्यूटोरियल ये तो आप मुझे लगता है आप लोगों को आप सेकंड सेम में आ चुके हो तो आप लोगों को इनके बारे में पता है अगर नहीं पता है कमेंट करिएगा मैं डिटेल में बना दूँगा अदरवाइज हम इसके क्रेडिट और असमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे हम ऑनली बात करेंगे यहाँ पे इसके सिलेबस के बारे में सो लेट सी सिलेबस। ये लीनियर अल्जेब्रा पेपर जो है थ्री यूनिट्स से बना है आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो कि थ्री जो यूनिट फर्स्ट है इट कंटेन द फोर्टी परसेंट ऑफ द सिलेबस ओके इट कंटेन द फोर्टी परसेंट इट कवर द फोर्टी परसेंट ऑफ द सिलेबस एंड यूनिट सेकेंड कंटेन द ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट यूनिट सेकेंड कंटेन्स 26.66% सिक्स पॉइंट सिक्स ऑफ़ दिलेबस एंड यूनिट थर्ड रिमेनिंगस दैट इज 33.33% सिलेबस, ऑफ़ सिलेबस ऑफ सिलेबस तो देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है जो आखिरी के दिनों में पढ़ते हैं थ्रू आउट थ्रू आउट कुछ नहीं करेंगे लेकिन एग्जाम के एक मंथ पहले वो पढ़ना ही स्टार्ट करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनके बहुत काम आता है लेकिन उन बच्चों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जो आखिरी मोमेंट पे देखते हैं तो मेरा आपसे यही एडवाइज़ है कि आप स्टार्टिंग से जो है कमांड बना के चलेंगे डे वन से तो आपका जो सीखने का प्रोसेस है और या तो याद रखने का प्रोसेस है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा तो अगर ये फोर्टी परसेंट का है तो इसमें से अप्रोक्सीमेट जो होंगे सेवन क्वेश्चन अराइज हो सकते ठीक है सेवन क्वेश्चन अराइज होंगे जो कि होगा 52.5 मार्क्स के यूनिट टू जो होगा उसमें से अराउंड फाइव क्वेश्चन अराइज होंगे और ये होगा 37.5 मार्क्स का टोटल और ये सिक्स और यूनिट थर्ड से सिक्स क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं अप्रोक्सीमेट सो ये होगा 45 मार्क्स का ओके okay? ये है इसके डिस्ट्रीब्यूशन तो जैसे कि आपको पता है टोटल मार्क्स 90 मार्क्स होता है और एक क्वेश्चन होगा 7.5 मार्क्स का ओके तो टोटल 90 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा ऑफकोर्स इसमें मैंने ओवरऑल लिखा है आपको पता है कि इसमें से जैसे यू एक क्वेश्चन में तीन पार्ट आए हैं तो केवल आपको दो ही करना है क्लियर है तो इस हिसाब से तो टोटल एटीन क्वेश्चन इंटू सेवन पॉइंट फाइव लेकिन उसमें से हमें कुछ छोड़ने भी होते हैं वो ऑप्शनल है आपके पास तो वो आप देख लेंगे क्लियर लेकिन इतने क्वेश्चन भी यहाँ से बनते तो ये तो था डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग आवर सिलेबस बट जो अकॉर्डिंग जो पी वाई क्यू है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना था उसके अकॉर्डिंग जो यूनिट वन है उससे आ रहे हैं छ क्वेश्चन ओके सिक्स क्वेश्चन एंड यूनिट टू से भी सिक्स क्वेश्चन बनते और यूनिट थर्ड से भी सिक्स क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये है अकॉर्डिंग टू पी वाई क्यू यूनिट वन से फोर्टी फाइव मार्क्स का यूनिट टू से भी फोर्टी फाइव मार्क्स का और यूनिट थ्री से भी फोर्टी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भले ही सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिट में आ डिफरेंट परसेंटेज हो लेकिन क्वेश्चन जो है इक्वली पूछे जा रहे हैं यानी दो क्वेश्चन उसके छह पार्ट्स यानी एक क्वेश्चन के तीन पार्ट्स यानी दो क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट वन टू क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट टू टू क्वेश्चन फ्रॉम थ्री एंड ईच क्वेश्चन हैज़ थ्री पार्ट्स तो इस तरीके से पूछे जाते तो आपके सामने ये सिलेबस तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपना होल सिलेबस को कवर करेंगे तो देखो फंडामेंटल चीज़ यही है कि जब भी हम कोई भी चीज़ें स्टडी करें तो अब लीनियर जब अपने आप में बहुत है बहुत वास्ट है बहुत छोटा नहीं है ठीक है तो इसके जो हमारे सिलेबस में बस हमें वो पढ़ना है क्लियर इसमें अभी पीएचडी थोड़ी ना करनी है हमें अभी जस्ट ग्रेजुएट होना है है ना अंडर ग्रेजुएट कोर्स अच्छे से करना है यानी उसमें हंड्रेड परसेंट लाना है जब पी करेंगे तब आप डिटेल में पढ़ लेना है ईजिली है ना बेसिक से लेके पूरा पूरे चार चार बुक पढ़ लेना इसी लीनियर एल्जेब्रा के लेकिन अभी आपको लीनियर एलजेब्रा पढ़ना है आपको कैलकुलस पढ़ना है आपको जेनरिक के अदर कोर्स पढ़ने आपको सेक पढ़ना है वैक पढ़ना है दियर आर मेनी पेपर्स सो आपको उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में है तो फर्स्ट तो आप ये ध्यान रखेंगे सो so, अफकोर्स यूनिट फर्स्ट के लिए जो बुक फॉलो करेंगे वो होगा एंड्रिली एंड हैकर की एलिमेंट्री लीनियर एल्ज्रा ओके एंड यूनिट सेकेंड एंड थर्ड हम करेंगे फ्रॉम दी फीडवर्क आगे अगर फिर इससे लीनियर एल्ज्रा आगे हम प्रोसीड करेंगे आगे के सेमेस्टर में तो हमारे पास क्या मिलेगा फीडवर्क की बुक मिलेगी ठीक है तो यूनिट फर्स्ट फ्रॉम दी एंड्रिली एंड सेकेंड एंड थर्ड फ्राम दी फीडवर्क जब हम यूनिट सेकेंड एंड थर्ड करेंगे तो आपकोस आपको क्या तैयार करके रखना है वो भी मैं बता दूँ आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने एल्जब्रा में पढ़ा है एल्जब्रा में उसका थर्ड यूनिट यानी ग्रुप थ्योरी वो आपको आना चाहिए ठीक है ग्रुप थ्यूरी का बेसिक कंसेप्ट वट इज़ द ग्रुप ग्रुप क्या होता है है ना ग्रुप क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये चीज़ें आपको आनी चाहिए जब हम यूनिट सेकेंड एंड थर्ड स्टार्ट करेंगे आपको यूनिट सेकेंड से ही हम ग्रुप थ्योरी को यूज़ करने वाले इस पेपर को पढ़ने के लिए जो प्री होगा वो आपका ग्रुप थ्योरी होगा ग्रुप थ्योरी विच इज एलजेब्रा वन जो कि आपने सेमेस्टर वन में पढ़ा है उसका भी थर्ड ओनली थर्ड यूनिट जो कि ग्रुप थ्योरी के नाम से ग्रुप थ्योरी के नाम से और अब, अब और अब कोर्स आप अगर बाकी आगे फर्दर लीनियर अल्जब्रा में बहुत अच्छा कमांड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बुक बता रहा हूँ आप उसको नोट कर सकते हो डेबिट सिले की आती है लीनियर एल्जब्रा करके दूसरी है हॉप मैन एंड कुंज करके आता है हॉपमन कुंज वो भी बहुत अच्छी बुक है लीनियर एल्जब्रा की एंड थोड़ा इससे एडवांस में अगर जाना चाहते हो तो वाट चीने करके आता है एक लीनियर चैप्ट्रा वाट चीने से ये वाट चीने इज द ऑथर नेम ओके तो ये तीनों बुक जो है वो थोड़ा सा एडवांस होते हैं एडवांस उस वहाँ से आप प्रॉब्लम उठा सकते हो लेकिन थ्योरी जो होगी सब में एक ही होगी थ्योरी सेम ही रहता है बस क्वेश्चन का लेवल जो है हर एक बुक में आपको अलग अलग मिलेगा इसी के साथ सिलेबस डिस्कशन वीडियो हम क्लोज करते हैं हमारे साथ बने रहिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय